जी इन्वेस्टर्स, तो आपने खरीदा है? नहीं खरीदा है शेयर? आज इतने अच्छे पोजीशन पे था, बेमिसाल शेयर लेके आऊँ मैं आपके लिए। एक इंजीनियरिंग शेयर है, नाम आपने सुना होगा, रिसेंटली इसका आईपीओ आया था और बहुत बेहतरीन बिजनेस मॉडल भी है शेयर का, तो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग अपना बेस्ट कर रहे होंगे और सबने अच्छी कमाई भी की होगी कि मार्केट अच्छी बुल रन में था। आज डिप धीरे धीरे के ऊपर गया बट इट वॉज गुड, सो लेट्स सी कल क्या करता है मार्केट। होप सो कल भी अच्छा ही रहे। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को, जिससे कि प्यार आपका बना रहे। कमेंट जरूर करें मेरे को, मेरी वीडियो में जो भी कमी हो, जो भी इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं वो मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन करके बताएं कि मैं उन पे इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सो जो भी स्टॉक मैं एनालिसिस इस पर शेयर करता हूं अपने चैनल पे, उसे लेने से, उस शेयर को लेने से या बेचने से अगर कोई भी नुकसान आपका होता है तो उसके लिए चैनल लायबल नहीं है। बिकॉज चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, ये सिर्फ आपका एनालिसिस बताता है कि ये शेयर इस पोजीशन पे है और इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, बट इट इज नॉट एनी रिकमेंडेशन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ शेयर। सो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें, तभी इन्वेस्ट करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो एनालिसिस करेंगे आज स्टॉक का, वो चार पार्ट्स में करेंगे हर बार की तरह, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट होगा बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट क्या है कंपनी का, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट होगा हमारा प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट, और लास्ट एंड फाइनल पार्ट होगा हमारा फंडामेंटल डाटा एनालिसिस। सो ये हो गए चारों पार्ट जिनमें कि हम शेयर की एनालिसिस करेंगे। सो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है बिजनेस बिजनेस मॉडल, तो शुरुआत करते हैं हम उसी से। सो आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो शेयर है मैं लेके जो आया हूं आपके लिए, उसका नाम है आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। सो अब कंपनी करती क्या है, कंपनी जो है एक मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर है हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स का, जो रिक्वायर होते हैं इन द कंपनीज विच प्रोड्यूस पावर एंड द कंपनीज ऑफ एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही प्रिसाइजली फोर्ज्ड एंड मशीन कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक 3D रोटेटिंग एयरफॉइल एंड ब्लेड पोर्शन ऑफ टर्बाइन्स। टर्बाइन्स में जो ब्लेड्स लगते हैं, उन वो जो पोर्शन होता है ब्लेड वाला, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आजाद इंजीनियरिंग करता है। एंड अदर क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो गैस प्लांट्स में यूज होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज होते हैं और थर्मल टर्बाइन्स में यूज होते हैं। सो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इसके, बहुत हाई प्रिसीजन है, जिनमें एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए होती है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि आजाद इंजीनियरिंग का बिजनेस क्या है, ठीक है, किन प्रोडक्ट्स को बनाती है। अब साथ के साथ हम देख लेते हैं कि क्लाइंट्स कौन कौन है जो इनसे प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। जो टॉप क्लाइंट्स हैं आजाद इंजीनियरिंग के, उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं, जिनमें कि फर्स्ट है जनरल इलेक्ट्रिक, सेकंड है हनीवेल, थर्ड हनीवेल इंटरनेशनल, मित्सुबिशी, सीमेंस एनर्जी, मान एनर्जी सॉल्यूशंस एंड एनर्जी और ईटन एरोस्पेस। सो ये कुछ बेहतरीन क्लाइंट्स हैं जो इनसे अपने प्रोडक्ट्स लेते हैं, बाय करते हैं। सो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट जो कि है टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। सो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस हम करते हैं, शेयर आप देख ही रहे होंगे, ऑल टाइम लो शेयर का काफी नीचे है, ऑल टाइम लो है 643, और सेकंड चीज ऑल टाइम हाई देखते हैं, ऑल टाइम हाई है हमारा 1466, ऑल टाइम हाई बहुत अच्छा बना रखा है। और इसका फिलहाल सपोर्ट जो है वो है 1243, और एक और सपोर्ट जो बना देते हैं हम यहां पर वो होगा 1156।
शेयर का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है वो देख लेते हैं। शेयर ने शेयर 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 ट्रेंड लाइन ट्रेंड ट्रेंड ड्रॉ ट्रेंड बना रहा है शेयर एक। जी हाँ, ये ट्रेंड शेयर बना रहा है और ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। कब से? फेब से। यू कैन सी हियर, फेब से इस ट्रेंड को शेयर फॉलो कर रहा है। सो अगर हम शेयर में एंट्री बनाते हैं, घुसते हैं, तो हम इस ट्रेंड को एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं विदाउट अ प्रॉब्लम। एंड सेकेंड थिंग कि फॉलिंग वेज भी बना रहा है, सो उसे भी देख लेते हैं। इट्स काइंड ऑफ फ्लैग फॉर्मेशन। दिस फ्लैग फॉर्मेशन इस तरीके से कि यहां से शेयर इस तरीके से गया। मैं आपको बता देता हूँ, शेयर ने मूवमेंट दिखाया यहां से इस तरीके से, दिस वन। एंड यू कैन सी देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्लैग। सो जिधर भी ब्रेक होगा मूवमेंट, उधर तेज आने के चांसेस हैं। सो इसको फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं, नहीं ये हम रहने देते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और जी हाँ, इसमें सचिन तेंदुलकर ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ये तो आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे सपोर्ट लिया है? फर्स्ट सपोर्ट जो लिया है इस ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे लिया है। सेकंड ये रहा, थर्ड यू कैन से दिस वन, एंड द लास्ट सपोर्ट विच हैज बीन टेकन बाय द शेयर इज दिस। 3 दिन यहां मंडराया, लेकिन यहां से सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए शेयर ने आज वापस यहां से पुलबैक दिखाया है। सो अच्छे चांस है कि शेयर अच्छा मूवमेंट दिखाए यहां से। स्टॉप लॉस आपने देख ही लिया, स्टॉप लॉस हम यूज कर सकते हैं 1242 या 1240, नो इश्यू। और टारगेट, टारगेट आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कितना आप ले जा सकते हैं। मेरे को लगता है कि अगर ये अपना हाई भी ब्रेक कर सकता है, और हाई ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट शो कर सकता है शेयर। इसको ही हम अगर वीकली चार्ट में देखें, लेट्स सी, जी वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है शेयर अपना। जी बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, वापस हम डे टाइम फ्रेम में चेंज कर लेते हैं इसको, और वापस हम इसमें हाई देख लिया, लो देख लिया, ट्रेंड लाइन बना रहा है ये देख लिया। और इसके बाद ठीक है, टेक्निकल चार्ट में इसके अलावा आई गेस कुछ है नहीं अभी। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है इसका प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट क्या रहा है। जी हाँ, तो मार्च में अभी रिजल्ट आना बाकी है। मैं जो आपको डाटा बता रहा हूँ ये दिसंबर क्वार्टर का है। सो दिसंबर क्वार्टर में टोटल क्वार्टर रेवेन्यू जो अप हुआ था वो हुआ था 72.8%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वार्टर के जो अप हुए थे वो हुए 33.1%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 88.5%। एबिटा 157.3%। एंड नेट प्रॉफिट 336.5%। सो ये थे इसकी रिजल्ट्स जो दिसंबर क्वार्टर में आए थे। रिजल्ट्स बेहतरीन है, शेयर अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, और दे होप सो कि दिसंबर जो अभी मार्च मंथ के जो लास्ट फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो भी इसके बहुत अच्छे आएंगे। सो लास्ट पार्ट पे चलते हैं अब हम, जो कि हैं फंडामेंटल्स क्या हैं शेयर के। ठीक है, फंडामेंटल में फर्स्ट पार्ट आता है मार्केट कैप। मार्केट कैप शेयर का अभी है 7716 करोड़। प्राइस टू बुक वैल्यू है 37.8। यहाँ थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत है। आरएसआई चल रही है शेयर की 52.1। एफआईआई होल्ड करता है 6.98%। म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं 4.31%। ये डाटा है मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग।
ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं कि रिसेंटली क्या एक्टिविटीज एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स ने की है मार्च क्वार्टर में। सो एफआईआई और एफपीआई ने इंक्रीज की है अपनी होल्डिंग्स 4.68% टू 6.98% इन मार्च क्वार्टर, बट एट द सेम टाइम नंबर ऑफ एफआईआई और एफपीआई रिड्यूस हुए हैं इसमें 45 टू 38 इन मार्च क्वार्टर। ठीक है, अब मार्च मार्च क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है इसमें। सो म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपनी होल्डिंग्स डिक्रीज की हैं फ्रॉम 4.91 टू 4.31 इन मार्च क्वार्टर, और एट द सेम टाइम नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इसमें इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 12 11, सॉरी म्यूचुअल फंड्स इसमें इंक्रीज हुए हैं 10 टू 11 इन मार्च क्वार्टर। और सुपरस्टार होल्डिंग्स जो हैं शेयर में वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की 1.6%। सो ये थे चारों पार्ट्स, मैंने आपको इसमें एनालिसिस करके दिखा दिया, होप सो आपको पसंद आया होगा। सो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और मुझे बताएं क्या इम्प्रूवमेंट्स इसमें हो सकते हैं, या क्या मैं कमी रख रहा हूं अपनी वीडियो में जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। सो टेल मी दैट दैट आई कैन इम्प्रूव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।